नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना के समय में लॉकडाउन एक से लेकर लॉकडाउन चार तक रोजमर्रा कमाने वाले मजदूरों किसानों की दशा किसी से छुपी नहीं है। इन सभी को इस काल में एक पहर की रोटी के लिए भी जूझते हुए देखा गया है। कह सकते हैं कि कोरोना की जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो इन गरीबों पर ही पड़ी है। इनका जीवन यापन असंतुलित हुआ है, इनका रोजगार तो छूटा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनके बच्चों के मुंह से निवाला भी कोसों दूर छूट गया है। जब कमाई ही नहीं है तो राशन कहाँ से आएगा और इनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ समाज सेवी इनकी मदद के लिए आगे आए हैं और वे अपने क्षेत्र में अपने द्वारा हर संभव मदद करके अन्य लोगों के लिए नजीर बने और इन जरूरतमंदों का सहारा भी बने। ऐसे लोगों में से ही एक नाम है जालौन से पूर्व सांसद, अखिल भारतीय कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा नेता घनश्याम अनुरागी का। घनश्याम अनुरागी लॉकडाउन में हर संभव प्रयास करके अपने क्षेत्र में हर जरूरतमंद को इस महामारी के समय उनके परिवार के लिए राशन उपलब्ध करा रहे हैं। उनके इस प्रयास से इस संकट की घड़ी में हजारों गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध हो रहा है। घनश्याम अनुरागी जी की बात जब कबीर न्यूज से हुई तब उन्होंने बताया कि अभी तक 4000 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करने का यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, किसी को भी उनके रहते भूखा नहीं सोना पड़ेगा। घनश्याम अनुरागी के जन सेवा की बात केवल क्षेत्र के लोगों में राशन बांटने तक ही नहीं रुकती, बल्कि इनके द्वारा राहगीर प्रवासी मजदूरों की हाईवे पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर भी लंच पैकेट के बांटकर मदद की जा रही है। आपको बताते चले कि भाजपा नेता घनश्याम अनुरागी इस विपदा की घड़ी में मुसलमान भाइयों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ईद में उन्होंने बधाई संदेश के साथ साथ गरीब मुसलमान परिवारों को उनकी शुभ ईद के लिए ईद किट भेंट की। किट में सेवई, शक्कर, आटा, डालडा, नमक शामिल था। राशन वितरण की इस कड़ी में कल मंगलवार को भी उरई विदेह वाटिका में घनश्याम अनुरागी द्वारा जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्य में उनके सहयोगी के रूप में उरई के चेयरमैन अनिल बहुगुड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता राम प्रकाश, एडवोकेट प्रमोद वर्मा, पुरुषोत्तम गुप्ता, विवेक अवस्थी, रामकिशोर वर्मा, बैजनाथ वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे।